कार्यवाही को जो भी एक्शन होगा वो तमाम अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए आज 8 बजे 8 का अटैक में इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। इस मुद्दे पर जो भी चर्चा होगी, जो मेहमान जुड़ेंगे, अगर उनसे कोई सवाल भी करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए उस दौरान आप सवाल भी कर सकते हैं 8 का अटैक में। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए बात करेंगे मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की संदिग्ध मौत मामले में। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, पारिवारिक कल है अब सड़क तक पहुंच गई है। बहू के खिलाफ ससुर ने मोर्चा खोलते हुए सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व जिला प्रमुख कन्हैया लाल धाकड़ ने अपनी पुत्र वधु पद्मिनी और उसके पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और कन्हैया लाल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि स्वर्गीय विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी विवेक को प्रताड़ित करती थी। पद्मिनी का मुख्य मकसद विवेक की जायदाद पर कब्जा करना है। अपराधी हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसमें। हमारे जहां तक मैं सोचता हूँ, मेरी बहू है पद्मिनी और 4 उसकी बहनें और 1-5 रिंग मास्टर की वजह से बहुत बड़ा षड्यंत्र पीछे लेकर के इतनी बहुत जघन्य अपराध किया। मैं चाहता हूँ कि शायद इसका पर्दाफाश होकर सही लोगों को अगर सजा मिलेगी तो राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि इस तरीके के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको सजाएं दी जानी चाहिए। महिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अधिकार की बात करें, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां निभाएं। मैं भी एक महिला हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ और किसी की माँ हूँ। इस तरह आप उस चीज को मिसयूज करके किसी भी आदमी को और किसी भी परिवारजन को प्रताड़ित करने के लिए आधिकारिक नहीं है। ये एग्जाम्पल होगा जो कि सब लोग समझेंगे कि महिला की आड़ में आप किस तरीके का गेम खेल रहे थे।